19 तारीख को पूर्व विधायक जगाधरी अर्जुन सिंह जी आपके साथ जुड़े और पहले भी इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर चौधरी बहादुर सिंह जी आए, दादा रामकुमार गौतम आए, अलग अलग कोणों से हमें ताकत मिली और बहुत से लोग तो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई मेरे पास आए और मुझे लेकर गए। मगर काम आप लोगों ने करना है, तो वर्कर का काम है कि वो जाकर, चाहे बीजेपी में कोई बैठा है, कांग्रेस में कोई बैठा है, बसपा में कोई बैठा है, मैं लोकदल इसलिए नहीं कहूंगा कि लोकदल के नेता तो खुद कहते हैं ठगी ठोरी वाले बैठे बुजुर्ग युवा साथियों, आपके जिले की बात होगी, खड़े हो कि राम राम करिए और फिर ठगी का रोक लगा, तो आप खुद सोचो, मेरे से ज्यादा नाम आप जानते हो किसी ने कितनी ठगी करी। आज उन दिलों से लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, मगर वो इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके पास जाओ और उनको अपने साथ लाने का प्रण करें। बुजुर्ग युवा साथियों, कांग्रेस की जो हालात है आपने खुद विधानसभा चुनाव में जींद में देखी, जो राहुल गांधी की टीम थी एक गाड़ी में 9 भर के नॉमिनेशन के लिए गए, अगर उन 9 नेता के पल्ले 2500 वोट भी नहीं तो फिर प्रदेश में उनका राज नहीं बनता, क्योंकि वोट 22,500 है। और यार दूसरी ओर कुछ लोग हमारी जमानत जब्त कराने की बात करते, हम तो 38,000 वोट पे आगे उनकी 6 गुना जमानत जब्त। तो बुजुर्ग युवा साथी, आज आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से और प्रदेश से आज बाहर निकालने का समय। मुझे याद है वो मोदी जी के दौरे भी, जब रेवाड़ी में 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, आज भी अधिकतम सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन से खुश नहीं, कुर्ते उतार के घुमा करते थे स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दे, और सरकार जाते जाते 6,000 रुपए का झुंझुना देगा और ये कहकर देंगे कि ये 6,000 रुपए पेंशन है। मोदी जी ये तो बताओ कि 6,000 में से 3,000 रुपए तो फसल बीमा के नाम के पहले पांच लोग, और एक व्यक्ति को अगर 7 रुपए दे के दिन का खुश करना है तो मेरे ख्याल से 3,000 रुपए में तो खाद भी दुनिया। आज तो 1,100 के लगभग तो यह डीएपी हो, यूरिया हो, पोटेशियम हो, और ऊपर से टैक्स लगा दिया 5 किलो घटा के। आज युवा की बात करें तो कहते थे 2 करोड़ युवा साथियों को हर साल नौकरी दे, प्रदेश में 1,25,000 युवा साथियों को नौकरी दे। बुजुर्ग युवा साथियों, इस 1,25,000 की बात करने वाले 4 साल में 30,000 की नौकरी में देखी, पर आज कहते हैं हमने 17,000 ग्रुप डी के लगाए। अगर पीएचडी करे बच्चे को किसी दफ्तर के अंदर पीएन की नौकरी पे लगा दिया, या एमटेक करे बच्चे को माड़ी की नौकरी पे लगा दिया, तो क्या ये प्रदेश का विकास? आज तो ये हालात है कि प्रदेश को अंदर से अंदर खोखला करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। मैं तो आपको एक चीज बोल सकता हूं, लोकसभा में जगह बनानी बहुत जरूरी है, और मैंने तो मेरी 5 साल की वर्किंग के अंदर देखा है, जो काम पार्लियामेंट में खड़े होकर कराया जा सकता है वो बिना राज के विधानसभा में बिल्कुल नहीं कराया जा सकता, और प्रदेश में राज बनाना है तो ऊपर का चुनाव भी जीतना पड़ेगा। साथियों,
सात बीजेपी के सांसद, एक आपके भी भिवानी लोकसभा से, मैं आपको सातों की इकट्ठी मेहनत को लगा ले और मेरी लगा ले पे बराबरी करता हूं। तो मैं एक था, अगर मेरे पर के सात होते तो बीजेपी का क्या हाल करते। पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर देश में बना तो हिसार था, पहला वाईफाई गांव बना तो हिसार में बना, पानी के टैंकर अगर गांव गांव गए तो हिसार में गए, मच्छर मारने वाली मशीन गई तो हिसार में गई, अगर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश तक कोई नई ट्रेन हरियाणा प्रदेश से गई तो केवल मात्र हिसार से, वो असी गार्ड भी हिसार में बनाए। मैं तो चाहता हूं कि इसी तरीके से आपकी पार्टी के 10 के 10 सांसद जीतकर पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट से इस प्रदेश की आवाज को मजबूती से आगे ले जाने का काम। बुजुर्ग युवा साथियों, कोई कह दे कि पार्लियामेंट जरूरी नहीं है, पार्लियामेंट बहुत जरूरी है, पर आप खुद देखो कि समाजवादी पार्टी के 5 सांसद थे तो भी पार्लियामेंट के अंदर काम को रोक देते, चाहे वो एआईडीएमके हो, टीडीपी हो, टीआरएस हो। आज उनके सांसदों ने मोदी की सरकार को कांग्रेस से ज्यादा रुकाने और झुकाने का काम किया। जब तक क्षेत्रीय दलों को ऊपर ताकत नहीं दोगे, क्षेत्रीय दल नीचे मजबूत नहीं है, और मोदी जी जो चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल इस देश से समाप्त, और ये आरएसएस वाले ये प्रचार करते हैं कि छोटा वोट दुष्यंत का, बड़ा बीजेपी, ये नहीं करनी। ऊपर भी जेजेपी बनानी है, नीचे भी जेजेपी बनानी है, और इसके लिए आप सबको आज से कमर कसनी पड़ेगी। संगठन का विस्तार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि 28 तारीख तक कर दें, और उसके लिए मैं आग्रह करता, बहुत से दरी बिछाने वाले साथी, बहुत से कुर्सियां बिछाने वाले साथी हैं जो कभी आगे नहीं आए, पर उन्होंने हमेशा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ संघर्ष किया, और बंसीलाल जी के साम्राज्य को बदला और बदलकर जननायक जनता पार्टी का गढ़ बनाने का काम करना। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं तो आपसे विनती करता कि उन लोगों को भी आगे लाए। अगर आपको लगता है कोई मेहनती साथी है और उसको जिम्मेवारी देनी चाहिए, तो आप लिखित तौर पर वो नाम जिला अध्यक्ष तक पहुंचाने का काम करो, नहीं तो लोकसभा प्रभारी को देने का काम, संगठन विस्तार में उनको भी जिम्मेवारी दी जाएगी। पर एक चीज मन में रखना कि जिम्मेवारी से काम में बाधा बहुत आती है। जो कार्यकर्ता बिना जिम्मेवारी मेहनत कर सकता है वो जिम्मेवारी के साथ नहीं कर सकता, और मेरे बहुत से साथी देखे जब पद नहीं था तो भागते दौड़ते, नई ज्वाइनिंग कराते, प्रोग्राम कराते घूमते थे, जिस दिन पद आ गया फिर क्लब लगाया कुर्ता पहन लेते। सही बात है, सही बात है। मैं इसलिए निवेदन करता हूं, अगर आप चाहते हो कि संगठन का हिस्सा लेकर आप और मजबूती से काम करो तो स्वेच्छा से मना भी कर सकते हो, मैं जिम्मेवारी भी लेनी है, पर मेरे ख्याल से कम है ऐसे मना करनी। मेरी एक विनती, यह पार्टी के 19 के 19 सेलों का विस्तार, और हम चाहते हैं कि काम करने वाले साथियों को आज जिम्मेवारी भी दी जाए। विधायक जी ने आपके लिए आज निमंत्रण भेजा है, उन्हें हमारे बीच में आना था, मैंने रोक दिया, छोरी का ब्याह है, वहां जिम्मेवारी ज्यादा होती, तो आप सब मीटिंग के बाद वहां भी जरूर अपनी आर्मी लगाने का काम करें। पर बुजुर्ग युवा साथियों, डॉक्टर साहब ने आपके लिए यही संदेश भेजा कि अब समय कम है, और इस कम समय के अंदर ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सब मजबूती के साथ इस संगठन को आगे ले जाते हुए एक ऐसा परिवर्तन लेकर आए जो परिवर्तन आने वाले हरियाणा को एक नई दशा और दिशा देने का काम करेगा। जहां घोषणाओं की बात है, आप तमाम साथी
9 दिसंबर को जीत की धरती पर भी थी। और जब आप मेंबरशिप अभियान को लेकर जा रहे हो तो साथ की साथ उन घोषणाओं को घर घर तक पहुंचाने का भी काम करें। मगर इन तमाम चीजों को समझते हुए देखते हुए आप प्रचार की भी जिम्मेवारी आप लोगों की, चाहे वो वॉल पेंटिंग हो, चाहे होल्डिंग हो, चाहे पोस्टर हो। अब इन 40 दिनों में हमें प्रचार बढ़ाना पड़ेगा। कैंडिडेट के लिए प्रभारी महोदय की जिम्मेवारी है कि जल्द से जल्द और पार्टियों के उम्मीदवार देखते हुए भी अपना उम्मीदवार निश्चित करें। मगर उसके साथ कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेवारी, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है। जब डॉक्टर साहब चुनाव लड़े थे तब भी मेरा बीमारी देखा हुआ है। अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले के लगभग 400 के आसपास का हूं, और अब तो दादरी भिवानी दो जिले। लोकसभा उम्मीदवार के पास तो इतना समय भी नहीं होता कि वो टिकट मिलने के बाद एक एक गांव का दौरा करे, पर कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बढ़ती कि कार्यकर्ता अपने गांव में अपने आप को उम्मीदवार समझकर अपने बूथ से जिताने का काम करे। अगर एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ की जिम्मेवारी उठ ले और कह दे कि मैं गांव से बाहर जब जाऊंगा जब मेरा बूथ मजबूत करके जिताऊंगा, तो मुझे नहीं लगता अगर खुद नरेंद्र मोदी भी चुनाव आके लड़ लेगा तो भी भिवाड़ी से आपको हराने का काम नहीं करेगा। बुजुर्ग युवा साथी उसके लिए त्यागना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा और मेहनत के साथ संगठन को नीचे से खड़ा करने का काम करना पड़ेगा। लोग तो बहुत प्रयास करेंगे, जींद के अंदर भी कोई अफवाहों की कमी नहीं थी, प्रयासों की कमी नहीं थी, पर जींद की जनता ने आईना दिखा दिया और 38,000 वोट आपको जो मिले उसने इस प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जननायक जनता पार्टी को आज सरकार के सामने खड़ा किया। मगर आज मुख्य विपक्षी दल तो आप हो, पर क्या 38,000 वोटों से राज बना लो? राज तो जब आएगा 38 लाख का आंकड़ा पार करने का काम, और 38 लाख का आंकड़ा जब पार होगा जब एक एक हल्के में 40-40 हजार वोटरों को हम आइडेंटिफाई करें। आज ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जो 1.5 लाख से कम वोटों की, और 4-4 पार्टियां आएगी, पर सबसे मजबूत आप जब ही दिखोगे जब आपका बूथ मजबूत होगा, आपके बूथ लेवल एजेंट मजबूत होगी, कार्यकर्ता नई ज्वाइनिंग कराएंगे, पार्टी के साथ सदस्य नए बनाकर जोड़ने का काम करेंगे। और मेरी यही विनती है कि अब समय बहुत कम है, इस अंतराल के अंदर ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप मजबूती के साथ अपने संगठन को एक ताकत देने का काम करें। मैं तो यही विनती प्रार्थना आपके बीच में करने आया था, और मैं एक आग्रह करता हूं कि भाई ठगों को तो लेना नहीं, और उसके सिवाय कोई पुराना साथी आना चाहे तो हाथ खोल कर उसको स्वागत भी करने का काम आता है। आज एक चीज तो पीछे छोड़ के आए, जो लोग हमें गुंडा कहा करते थे, रेडी लूटने वाले कहा करते थे, उन कांग्रेसियों के 22,000 वोट भी लिए, जमानत भी 800 वोटों से बची, तो वो दोबारा इस तरह का दुष्प्रचार शुरू करेगी। मगर जींद की धरती ने उस दुष्प्रचार को पीछे छोड़कर आपको एक नई शुरुआत दी, और इस नई शुरुआत के अंदर ये आपकी जिम्मेवारी है कि संगठन के साथ अच्छे साफ छवि के लोगों को आप जोड़कर आगे ले जाने का काम करें। और यही आग्रह करूंगा जिला अध्यक्ष से भी कि जल्दी से जल्दी प्रभारी महोदय के साथ अपने जिले का पैनल प्रपोज करें, और जल्द से जल्द कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाकर मेंबरशिप अभियान को प्रत्येक गांव तक, शहर की प्रत्येक गली तक ले जाकर संगठन के साथ नए सदस्य जोड़ने का काम करेंगे। मैंने यही प्रार्थना विनती लेकर आपके बीच में आया था। आप सबने तो यहाँ पहुंचने पर प्यार मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। एक युवा साथियों से आग्रह करूंगा, क्योंकि एक बूथ 10 युद्ध बहुत जरूरी है, तमाम युवा साथी एकजुट होकर अपने एक एक बूथ पे जाकर तमाम युवा साथियों को जो केपेबल है
जो काम कर सकते हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।